अब ये बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ज़रा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखने का मुद्दा क्या था, ताकि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाई जाए जिसकी वजह से मुझे मारने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। दिस नॉट हैपन वंस, दो बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे ब्रदर को भी। सो दिस इज़ दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम कमिंग एंड डूइंग दिस। कल को ये ना हो कि एक वैसा वाला कोई सिचुएशन बन जाए कि कुछ हो गया था इसको, हमें तो पता ही नहीं, ख़त्म हो गया, शायद मामला भी ख़त्म हो जाएगा। द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस इज सो दैट दिस ट्रूथ कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ताकि सबको पता हो कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले, मैंने एक दो महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तो काफ़ी आईब्राउज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए हैं, ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, तो अदरवाइज़ ऐसे ही हवा में बोलने में तो काफ़ी लोग बोलते ही हैं। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी आर स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है, कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा, हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया, और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया है। अब ये बात ऑफकोर्स मैं पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था, बिकॉज आई डिडंट हैव प्रूफ। अब एक चीज़ जैसे मेरे साथ हुई थी पिछले साल, करेक्ट, उस टाइम पे मैं आगे आके अगर ये चीज़ बताऊं तो कैसा लगेगा, सडनली द परसेप्शन अगेन गोज कि अरे इसके ऊपर लगाई ये चीज़ें, तो अब शायद ये ऐसा बोल रहा है और देखो भाई बहन के लिए बोल रहा है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आई डिडंट रेज दैट क्वेश्चन। मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में, 14 मंथ्स इट्स टेकन फॉर मी। एक एक चीज, एक एक इवेंट, एक एक सबूत वहां से लेकर आओ, इससे बात करो, दोस्तों ने कुछ बताया, इसने कुछ बताया, कुछ चीजें हार्ड एविडेंस आपके पास आ जाती हैं, ये सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माय एंड। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से हैं, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है 7 साल की, बीवी है, माँ है, तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है, बिकॉज काविश इज़ इन द हाउस, निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज ऑल्सो इन द हाउस, एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ते होते हैं, बट ऑफकोर्स इस सिचुएशन में तो मजाक बन गया है। एंड निशा ने ऑफकोर्स मुझ पर झूठे केसेस इसलिए भी लगाए ताकि मैं, जो निशा का एक और इनफिडेलिटी वाला केस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो लॉकअप शो में बोला था, शी स्पोक अबाउट दैट ड्यूरिंग 2015-16 शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो अफेयर तो अलग है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट किया है, ये अफेयर अलग है, ताकि अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊँ तो इस पर डाल दो कि इसका अफेयर है। तब तक झूठे केसेस मेरे फादर, मदर, भाई के अगेंस्ट भी फाइल हो चुके हैं, पहले आदमी उसमें लग जाए कि जवाब कहाँ देता रहे, वो तो यही सोचता रहे कि भैया मैं पहले इससे निपटूँ, पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करूँ कि इस कौन सी स्थिति पे मैं आ चुका हूँ, उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद मैं शायद कुछ। और क्या सबूत दोगे यार आप, जब कोई बोल देता कि भाई बहन है, क्या सबूत दोगे आप, टेल मी, अनटिल अनलेस यू डोंट कैच देम इन द एक्ट, दैट इज द थिंग। और अगर आप एक बार ये भी सोचिए, अगर इतने ही सच्चे थे तो 1 जून को जब निशा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबको बताया कि क्या है, तो अपने अफेयर के बारे में पहले बता देते आप,
2015 में आपका भी हुआ था ना, आप बता दीजिए, हमारा तो कोई वो केस है ही नहीं, क्योंकि हमारे पे तो सारे झूठे चीज़ें हैं। आप सच्चे हो, आप अपना बता देते कि 2015 में आपका अफेयर था, तो वो तो हुआ नहीं। अब जब लॉकअप शो में तो ज़रूर चले गए, तो वहाँ पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था? इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है, बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं आप कैसे बोलोगे। अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हजारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया, सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे वी आर सॉरी, एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स, मोटी मोटी गालियाँ लिख के दी थी सबने। मतलब आप समझिए, जिसने 20 साल तक मेहनत की, एक दाग नहीं लगने दिया उसने अपने ऊपर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टार्डम, दिस इज व्हाट वी कॉल फैन लव, नो, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूँ। बट अब सब पलटे उसके बाद, सब ने माफियाँ मांगी, सब लोगों ने लिख के भेजा कि नहीं सर वी आर सॉरी बिकॉज हमने एक चीज़ देखी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन के लिए नहीं होती हैं चीज़ें, आप लोगों को समझना पड़ेगा एज सिटीजन्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें कि किसी के साथ क्या हो रहा है। एज रिपोर्टर्स आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाएं, किस वे में पहुँचाएंगे वो अब सब हम पे, हम ह्यूमंस हैं, हम सब पे डिपेंड करता है। एक इन्फॉर्मेशन अगर मैंने भी 2 बार इंटरव्यूज़ पहले दिए हैं, बड़े छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैंने अपने लॉयर के साथ बैठ के दिए, सो दैट वॉज उसका एक कुछ तो वेटेज होता ही है, सो दैट वॉज द केस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, रोहित साठिया बेसिकली इनकी कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, सो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई, ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियाँ, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ हटा लिया जाए। अब कैसे करेंगे, अब कुछ झूठे केसेस में फंसा के करें ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बट वो हुआ नहीं बिकॉज आई डिडंट गिव अप। कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जब कोई नहीं होता है कहते हैं ना, तो अकेले ताकत यही थी कि अपने घर वालों को भी संभालो, आपको लड़ना भी है, आपके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद आई वॉज ऑन द सेट शूटिंग ऑल्सो, आई डेंट हैव टाइम, आज भी टाइम नहीं है, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ बट आई डोंट हैव टाइम टू गेट इमोशनल, करेक्ट। सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पर इसलिए किए गए ताकि मुझे इनक्रिमिनेट किया जाए, इन केसेस में मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर, ब्लैकमेल किया गया थ्रू दी डिमांड्स जो बना, मतलब मांगी जा रही थी कि हमें ये चाहिए, ऑफकोर्स थ्रेटन किया गया, काविश को एज एन इमोशनल वेपन यूज़ बहुत किया जा रहा है, बट उसके लिए भी यू नो यू हैव टू बी स्ट्रांग। आई कांट थिंक ऑफ काविश राइट नाउ, जहाँ भी ये ठीक है, बट कल को जब होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो और जैसे मैंने कहा, तो मेरा घर, बिजनेस है, जो ऑफकोर्स निशा के नाम पे था इसलिए वो हत्या लिया गया, हर चीज़ में ऑफकोर्स मेहनत लगी है, पैसा मेरा लगा है, मेहनत मेरी लगी है, सालों की मेहनत है, घर, गाड़ियाँ, बच्चा, सब कुछ अपने पास जब्त करके ये लोग बड़ी आसानी से बैठ गए। और ये क्यों हो पा रहा है, आगे के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ।